कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर किए गए लॉकडाउन को लेकर भागलपुर के एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले में सभी पुलिस पदाधिकारी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती से शहर के चौक चौराहों पर उतरी। तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, स्टेशन चौक व ततारपुर में पुलिस ने बिना काम के आने जाने वाले के ऊपर सख्ती की, साथ ही दो चक्का चार चक्का वाहनों का चालान भी काटा। जो लोग अपनी जरूरी कामों से बाहर जा रहे हैं उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन का लगभग अनुपालन किया जा रहा है। हमारे सभी थाना प्रभारी रात भर जगे रहे, ये घोषणा होने के बाद लोग दुकान पर इकट्ठा हो गए थे, सामान पूरा खरीदारी कर रहे थे। सभी थाना प्रभारी रात भर जग करके लोगों को आश्वस्त कराया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिक ना हो। दुकान को बंद कराया गया और कहा कि सुबह दुकान खुला। मैं सुबह से मैं खुद निकला हुआ हूँ, सभी थाना प्रभारी खुद निकले हुए हैं। लगभग क्या मैं कहता हूँ कि लगभग 100% लॉकडाउन है। कुछ लोग जो बाइक पर घूम रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, और सत्यापन कर लेते हैं कि ये क्यों घूम रहे हैं। अजीब सा कहने जेन्युइन ग्राउंड है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जिनका जेन ग्राउंड नहीं है ऐसे निकले हैं घूमने हटरगस्ती करने के लिए, उस पर हम लोग केस भी काफ़ी हम लोग केस किया और अभी हमने मीटिंग भी किया है थाना पार्षद यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में कालाबाजारी जोर शोर से चल रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं स्टेशन चौक के सामने किराने की दुकान पर किस कदर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वहां 600 रुपए का चावल 800 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसे बाद में प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया। किसका बंद लाइसेंस मिला वो कैसे खाएगा, गरीब आदमी कैसे खाएगा सर? ब्लैक यदि कहीं से खबर मिलती है काला बाजारी का तो तुरंत एक्ट कीजिए, उसको सत्यापन कीजिए, सही मिलता है FIR कीजिए, जेल। सूबे में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। हालांकि बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार में इस मामले में लगातार कमी भी देखी जा रही है, जो एहतियातन लिए गए लॉकडाउन के फैसले का सकारात्मक परिणाम है। वहीं आज समीक्षा भवन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अन्य मामलों के अलावा DM ने लॉकडाउन की समीक्षा भी की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भागलपुर नगर निगम भी अब नींद से जाग चुका है। नगर निगम के द्वारा शहर में जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और सैनिटाइजर के द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है। साथ ही आम लोगों में रोजमर्रा की चीजों को भी सैनिटाइज कर उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक ओर जहां भय का माहौल व्याप्त हो गया है, वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती सहित डॉक्टरों की टीम लगातार लोगों से शांति बनाए रखते हुए वायरस के संक्रमण से बिल्कुल नहीं डरने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सदर अस्पताल में तैनात जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने भी संक्रमण को लेकर किसी अफवाह में नहीं पड़ने की अपील की है। क्या है कि ये तो अच्छा है लॉकडाउन करना, क्योंकि लॉकडाउन व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक के रूप में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य है। संदेश ये है कि सिर्फ क्वारंटाइन मीन्स अपने आप को अलग रखना एक मतलब ट्रीटमेंट है जो आज का नया नहीं है। पुराने टाइम में भी जितने भी स्मॉल पॉक्स का है, चिकन पॉक्स है, ये जब था कभी, आजकल तो खैर नहीं है, स्मॉल पॉक्स तो आजकल नहीं है, चिकन पॉक्स के कभी कभार केस मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की ऐसा नियम रहा है कि साहब स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड कोई हो, चिकन पॉक्स से अफेक्टेड हो, तो उसको एक रूम में एकांत में रखा जाता है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लोगों को समझाने एवं मास्क लगाने के फायदे बताने में लग गया है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि वे लॉकडाउन पालन करें और खाने पीने की सामग्रियां खरीदने के लिए अकेले निकले, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने कहा कि व्यक्तियों की आवश्यक सामग्रियों के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
का जो संक्रमण है उसको देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लगातार हम लोग कल भी अपील किए हैं लोगों को अंदर रहने के लिए। कई जगहों पर लॉकडाउन हुआ भी है, कई सारी दुकानें बंद रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं या फिर कुछ दुकानें खुली हैं, उसको लेकर विशेष रूप से हम लोग बाहर निकले हैं। ये एक मैसेज है और एक अपील है कि सभी लोग जो भी एसेंशियल चीज़ नहीं है, जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, गैस हो गया, इन चीज़ों को छोड़कर वैसी दुकानें सब बंद रखें। एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर निकलना है तो अकेले निकलें, परिवार को बचाएं, सतर्क रहें, इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है।